मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में इनामी स्थायी वारंटी को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। मोरवा पुलिस ने 2000 के इनामी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एक्सीडेंट के मामले में पेशी पर न आने से जारी हुआ था स्थायी वारंट। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह द्वारा फरारी स्थायी वारंटी को गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी को आज पुनः सफलता मिली, जब 10 साल पुराने प्रकरण में फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 के नवंबर माह में थाना मोरवा क्षेत्र में मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53B 4181 के चालक बीनू डेविड पिता बाबू डी निवासी नेहरू नगर मोरवा के लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर शिव प्रसाद यादव निवासी अजगुड़ को चोटिल कर दिया था, जिस पर अपराध क्रमांक 310/10 धारा 279, 337, 338 ताही कायम कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया था, जो जमानत पर छूटने के बाद से फरार था, जिस पर न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था और उसे आज गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। स्थायी वारंट को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक सरनाम सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक अजय पांडे, अशोक सिंह, श्री कृष्ण ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।